नमस्कार दोस्तों, एवी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंप्यूटर का विकास भाग 3, कंप्यूटर डेवलपमेंट पार्ट 3। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? आपके विकल्प हैं ए IBM कंपनी, बी HCL कंपनी, सी CRC कंपनी, डी CDEC कंपनी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी CRC कंपनी। CRC का फुल फॉर्म है क्रे रिसर्च कंपनी। क्रे रिसर्च कंपनी ने विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1S सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? आपके विकल्प हैं ए परम, बी फ्लो सॉल्वर, सी चिप्स और डी अनुपम। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी अनुपम। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है तथा परम पदम CDEC पुणे द्वारा विकसित किया गया है और फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न संख्या 3, डिजिटल कंप्यूटर किस देश द्वारा विकसित किया गया है? डिजिटल कंप्यूटर किस देश द्वारा विकसित किया गया है? आपके विकल्प हैं ए रूस, बी ब्रिटेन, सी USA, डी जापान। तो इसका उत्तर होगा सी USA। डिजिटल कंप्यूटर का विकास USA अमेरिका द्वारा किया गया है। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंक पद्धति के अनुसार 0 और 1 का उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 4, IBM का पूरा नाम क्या है? आपके विकल्प हैं ए इंडियन बिजनेस मशीन, बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सी इटालियन बिजनेस मशीन, डी इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। प्रश्न संख्या 5, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां किया था? आपके विकल्प हैं ए चेन्नई में, बी बंगलुरु में, सी दिल्ली में और डी पुणे में। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी पुणे में। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया था। प्रश्न संख्या 6, कंप्यूटर में IC चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर में IC चिप किसकी बनी होती है? आपके विकल्प हैं ए सिलिकॉन की, बी पाण की,
सी क्रोमियम की, डी स्वर्ण की। तो दोस्तों ऐसी चिप सामान्यतः सिलिकॉन की बनी होती है। ऐसी चिप का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो कि वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन से या जर्मेनियम से बनी होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण 1958 में जेएस किल्बी तथा रॉबर्ट नोई ने किया था। प्रश्न संख्या 7, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए अबेकस, बी एनियक, सी मार्क वन, डी इनमें से कोई नहीं। गेस कीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए अबेकस। संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस है। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? आपके विकल्प हैं ए डिजिटल संकेतों का, बी एनालॉग संकेतों का, सी उपरोक्त दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों का। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों और एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 9, माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? आपके विकल्प हैं ए आईबीएम ने, बी एप्पल ने, सी इंटेल ने, डी एचसीएल ने। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी इंटेल ने। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था, जो कि 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 10, 2019 वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? आपके विकल्प हैं ए SSIC, बी MSIC, सी VLSIC, डी ULSIC। दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी ULSIC। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC का प्रयोग होता है। ULSIC से अभिप्राय अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप से है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें एबी सामान्य ज्ञान YouTube चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।